में आदमी हैं जो बोले उनको पूछे नहीं गए हैं, तो परेशान है, बीमार है, कुछ पैसे नहीं है उनके पास। अब सही बोलते मेरे माँ बाप तो है नहीं, मेरी आँखों में पानी आ रहा था, वालदे का मुखान कोई अपनी जान सकता जिनके माँ बाप नहीं। फिर मेरे दुश्मन भी बहुत है, मैं या फिर साहब को कॉल करा, कॉल करके बोला जनाब की लड़का मेरे को यहाँ पर बुला रहा, मैं जा सकता हूँ, तो सरो भाई आप फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों तो काफ़ी की बहुत अल्लाह नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग को मुझे काम पसंद नहीं आते, मैं बहुत अच्छा काम कहाँ ज़माने में ज़रा समझते ना आप लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहे थे जनाब सारा मिला फ्री को टीवी न्यूज़ के प्यार में बहुत है जनाब को मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम कॉल करे फिर मेरे को तो चाचा साहब यहीं पर मौजूद है, मैं सीधा उनके घर विजिट करा, विजिट करके मेरे पास कुछ रकम थी 3,000 के करीब उनके हाथ को दिया, जबका जब भी वक्त बाहर में उनके जितने भी टैबलेट्स थे एसएस मेडिकल हॉल से लिया लेकर उनको टैबलेट। आपको और कोई इनकम और कोई जरिया? मेरा जरिया मेरा जरिया फेसबुक व्हाट्सएप मेरे दोस्त है और मेरे अपने खुद के साथियाँ हैं, जब भी ऐसा टाइम आ गया तो हम एक दूसरे के हाथ मजबूत कर लेते हैं, ये ऐसे होता है मेरे जैसे कि नासिर शाह है, हमीद है, यूँ है, शाहरुख भाई है, मैडम है, अफसर मैडम भी है हमारे, खरीबा है, मारिया मैडम है। एक वक्त ऐसा था जब हम वहाँ चावल वगैरह बना के बांटते थे ना, तो कैसा खान के आज काम करने का जज्बा है, पैसे नहीं है, अब जिम्मेदारी है तो पहले भी कुछ छोड़ देना है। तो वो टाइम पे जनाब जैसे जनाब नासिर शाह अब मुस्तफ़ा मेरा हाथ पड़ गई, दोनों मेरा हाथ नहीं छोड़ अलहमदिल्ला, हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर दूसरे लोग कॉन्टैक्ट किए, लोग भरोसा करना स्टार्ट करें, तो कुछ लोग मेहरबानी आके अलहमदिल्ला मेरे को आमद दे के जाते सर भाई। एक टाइम ऐसा था सर भाई जहाँ पे जो है हर एक जगह आप अकेले दिखते थे, आज आपका ग्रुप और आपके मेंबर्स आपके चाहने वाले कितने ज़्यादा हो गए, कुछ तदाद बता सकते हैं? मैं कुछ समझी के ऊपर करीब 2 लाख के करीब लोग वॉच करते हैं अलहमदिल्ला, अब मेरी अपनी जो पढ़ी हुई डिटेल में कुछ कभी 100 से 150 के ऊपर ही फिर अलहमदिल्ला, फिर अभी यहाँ पर जितने ज्वाइन करते हैं ये आने वाला वक्त ही बदलेगा इंशाल्लाह। अब कुछ लोग क्या है किसी को वक्त रहता है, तो हम वक्त के हिसाब से जो टाइम पे जहाँ पे करना अब मैं उनका लाख आ जाते हैं, अगर उनका बुराया शाहनवाज भाई, अफसर मैडम, मालिया मैडम, हबीबा मैडम, ये जितने भी है मुदसर है, ये जनाब बीमार थे तो इन मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा देखते थे, तो आपको कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो जब ये जनाब को कुछ अहर कर रहे अल्लाह अगर तो इनकी ज़िंदगी बख्श दिया, तो मैं सरवर भाई के फाउंडेशन को कुछ हेल्प करूँगा। ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये महीने की 13 तारीख होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ को ला के देते हैं, ये नौजवान को मेरा सलाम है और ऐसे नौजवानों की हमारी ज़रूरत है, आपकी मेहनत की कमाई में से जनाब जिस महीना होते कि उनको कॉल करते और फिर साथियों ने जो उम्र भी अलहमदिल्ला, तो कुछ इस पर दुआ भी मदद करते, और हमारे एक सना मैडम है, मैं तो खैर नाम ले लेना चाहिए फिर भी मैं उनका नाम दूसरा हूँ, सना से मशहूर है, मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एक औरत जात होते थे हर हफ्ता उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी मदद करते रहते, और एक चीज़ भी मैं अपील करूँगा जो आप लोगों का बैंक का जो इंटरेस्ट फिगर था वो इंटरेस्ट के पैसे भी आप हमारे फाउंडेशन को दे सकते हो, जो मजबूर खस्ता हालत के लोग हैं जब वो पैसे उन्होंने उनके ऊपर यूज़ करते हैं, तो कई ऐसे फेसबुक पे दोस्त हैं, कोई अकाउंट में डाल दे, कोई अमाउंट ला के दे दे, आप एयर कोडे के जरिए से भी हमारी मदद कर सकते हैं, एयर कोडे के जरिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये 20,000 रुपये आके आगे रात को खट्टा मारकर आप हिसाब भी दे सकते हैं उनसे कि हमारा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। तो मैं इब्राहिम का भी शुक्रगुजार हूँ जो सुखी नगर और हमारे खादर हैं जो सफेद कंपनी आपकी जो है रजोगा आपके यहाँ पर अलहमदिल्ला, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक ऐसा जो शहर बनेंगे हैदराबाद में, यही नहीं सिर्फ सभी नहीं हैदराबाद की सरजमी के पूरे कोने को जाऊँगा, पहले अपने अपने घर में झाँकना जरूरी है, पानी से लगना भी कोई नहीं है, अपन पहले हैदराबाद में जाना भी तकलीफों को दूर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी पानी का पालिश करना, ये काम बाई सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हक हमको अल्लाह सुभान व तआला का खालिक और गवर्नमेंट को दी, और ये रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन है इंसानों के लिए पैगाम का फॉलोअर कैसे भी होंगे, तो बस मैं नौजवान ये पैगाम दूंगा कि नौजवान आगे बढ़े, हमारे फाउंडेशन को मजबूत करें।
तो मैं नौजवान बात करूंगा, जरा चाहे जोशी में रहूंगा, हंसी हो जाएंगी, अरे क्या तो बता रहे आगे जब जब भी बात करना हमारे समझ के बाहर है। आजकल बच्चे बच्चे को पहलवान बनने का बहुत शौक है। पहलवान पहलवान कैसा लोग सोचा मालूम, रवि सीधर की जिंदगी कैसी होती मालूम, मानसून नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। मेरे वालों पर मेरे वालिद की जान जा रही थी, कल में सर्वर को बुला और सर्वर को बुला, वो टाइम पे मैं नंगल और सीनियर्स में साइन मारने पे खड़े हुआ था, घर से फोन आ रहे पप्पा का दम निकल जाता, भैया जल्दी आओ तुम, पप्पा का दम निकल, इतना मजबूर बेटा था ताकि फसल बाबा जा रहे सुना गए तक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये एक हो गया, एक रणवीर सिटन से उसका घर तबाह, उससे पड़ोसी नाराज, दोस्ता नाराज, कानून नाराज, समाज नाराज, उसकी खुद की बीवी उसके साथ बेदार है। एक एक एरिया में अगर किसी का खत्म, हम लोग जो ऑटोमेटिक हो आज समय है बहुत ज़्यादा हासिल रहने के बावजूद आप हमारे लिए वक्त निकाले, हम आपके लिए वक्त निकाले। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमें सरवर खान साहब और हमारी पूरी मदद पर विनती की थी, जिसमें कॉलिंग है जो कि घर में आज मर्द हजरात मौजूद रहने पर भी हमारे लिए वक्त निकलते हैं। इसलिए मैं पहले दिन से सबसे पहले अपनी टीम का शुक्रगुजार कर रहा हूँ और जो हमारे यहाँ पे ब्लैक हमारे बैंगे का शुक्रगुजार हूँ और तमाम हमारे नौजवान हैं, हमारे आदत भी है और खातिन में गरीब हजरात हैं, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे यहाँ पे आके आप लोग हमारी हिम्मत अफजाई करें, अहम वजह हम खुद हैं, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, किसी अहम वजह हम खुद हैं, हम अल्लाह उसके रसूल से दूर हो गए, हम उसके कई बार हजार सलाह हजार सलाह की हमारे जानी हम आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार मेरे सालम हुदी साहब हैं यहाँ पर मौजूद है किलो पर, उनसे मेरी मुलाकात टेक्निकल में हुई थी, एक आदम लड़के की इंतखाब की तैयारी, तो सालम हुदी का मेरा कॉन्टैक्ट छोटे से, तो हम दोनों एक दूसरे को टैकिंग करते थे, मैसेज भेजते थे, तो उसमें हमारे सोशल वर्कर हमें सरवर खान साहब, तो इनका मेरे को नंबर की जरूरत थी, तो सालम की हमारी साइड से फोन आ रहा है, हमारे बच्चे के बड़े बुजुर्ग है, उनको चंद पैसों की जरूरत है, उनकी मजबूरी देख भी देखी नहीं गई और मेरे जब में कुछ पैसे नहीं थे, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे से जरिया हो सका, मैं सरवर खान साहब तक पहुँचा, सरवर खान साहब को बुला कर भाई मेरी बच्ची एक मजबूर इंसान है, आप आगे उसकी मदद करो। वक्ते वहाँ उस टाइम सरवर खान साहब आधे घंटे में मौजूद हुए संजय गांधी नगर में और उनके घर के हालात देखे और अफसर जारी करते हुए उनको अफसोस करते हुए उनसे जो है सका वो करते हुए और छोटे बड़े सभी हजरात को अस्सलामुअलैकुम। मैं सरवर खान मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, मैं भी एक हिस्सा हूँ छोटा सा, मेरा नाम सरवर खान है। भाइयों आज का एक प्रोग्राम है फेसबुक पे आने के लिए या टीवी पे आने के लिए या फिर सोशल मीडिया में आने के लिए, ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, बताना ये चाह रहे हैं। हर कोई आदमी अपने अपने घर के लिए एक जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हर आदमी अपनी अपनी दुकान लेना चाहे तहे दिल से वो ले सकते हैं, बस इरादे नेक हों। भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको इस काम को अंजाम देना नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि इस फाउंडेशन की आड़ में ये लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं।